अस्सलामुअलैकुम, मैं डॉक्टर जासर आफ्ताब और एक नए प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। नाज़रीन, आज मैं स्टूडियो से बाहर हूँ और आज का हमारा प्रोग्राम भी स्टूडियो से बाहर होगा और ये एक स्पेशल प्रोग्राम है। इस वक्त मैं रोज़नामा आफ्ताब के मरकज़ी दफ्तर में मौजूद हूँ और अभी हमने थोड़ी देर तक निकलना है इसी होटल के लिए। इंटरनेशनल बफलो कांग्रेस होने जा रही है यूनिवर्सिटी ऑफ वेटरनरी एंड एनिमल साइंसेज के ज़ेर एहतमाम, और इसी कांग्रेस के लिए अभी हम थोड़ी देर में रवाना होंगे। सुबह का वक्त है और दफ्तर में बड़ी खामोशी है क्योंकि आपको पता है कि अखबार के जो दफातर हैं उनमें काम 1 बजे के बाद और फिर लेट नाइट तक चलता है। तो अभी हम बस निकलते हैं थोड़ी देर में इंटरनेशनल बफलो कांग्रेस के इवेंट को देखने के लिए। नाज़रीन, हम इंटरनेशनल बफलो कांग्रेस के लिए रवाना हो चुके हैं और अब बहुत जल्द पर्ल कॉन्टिनेंटल होटल में पहुंच जाएंगे। ये भैंस की अगर बात करें तो भैंस की एक रवायती अहमियत है पाकिस्तान में, और अगर इंडस वैली की बात करें तो वादी सिंध में गुज़िश्ता 5000 साल से ये भैंस को पाला जा रहा है। पंजाब की देही सकाफत में इसकी अलग अहमियत है। पंजाब में भैंस देहातों में एक फैमिली मेंबर का आप उसका हिस्सा कह सकते हैं, जहाँ पर इसकी देखभाल एक फैमिली मेंबर की तरह की जाती है। और ये भैंसें पंजाब के अंदर, अगर टोटल पाकिस्तान के अंदर भैंसों की पॉपुलेशन की बात करें तो पंजाब में टोटल पाकिस्तान की पॉपुलेशन का 65% पंजाब में है और पाकिस्तान में जो टोटल दूध की पैदावार होती है उसका 60% भी भैंस से आता है। तो ये इंटरनेशनल बफलो कांग्रेस में वो 20 से करीब ममालिक से डेलीगेट्स आ रहे हैं, यहाँ पे रिसर्चर एक दूसरे से अपनी रिसर्च शेयर करेंगे और ये इवेंट 2 दिन तक जारी रहेगा। इसके बाद BDC के साथ नेशनल लाइफ स्टॉक शो शुरू हो जाएगा जो कि पत्तोकी में होगा, जहाँ पर मुख्तलिफ एनिमल्स की जो नुमाइश होगी और यहाँ पर दूध के मुकाबले भी करवाए जाएंगे, दूध मिल्क कंपटीशन भी यहाँ पे होगा। एक और चीज़ वादा करते चले कि चूँकि बलिया सऊदी अरब पाकिस्तान आए हुए हैं तो माल रोड के ऊपर भैंस कांग्रेस की मुलाजमत से कोई हमें स्टीमर नज़र नहीं आ रहे, लेकिन अगर हम किराल रोड की बात करें तो नहर के किनारे आपको बहुत सारे ऐसे स्टीमर मिल जाएंगे जहाँ से ये वाजे हो रहा है कि ये इंटरनेशनल बफलो कांग्रेस होने जा रही है। क्योंकि ये पहले 2009 में हुई थी ये कांग्रेस पाकिस्तान में और अभी ये 10 साल के बाद होने जा रही है, तो ये एक इंटरनेशनल इसकी अहमियत है। तो आज चीफ मिनिस्टर पंजाब इसको इनागुरेट करेंगे। तो बस नाज़रीन, हम बहुत जल्द किसी होटल पहुँच जाएँ, गाड़ी पार करेंगे और उसके बाद फिर हम होटल में उस अरीना में जाएंगे जहाँ पर ये कांग्रेस होने जा रही है। पर्ल कॉन्टिनेंटल होटल लाहौर में पहुंच चुके हैं और इंटरनेशनल बफलो कांग्रेस का आगाज़ भी हो चुका है। तकरीब के मेहमान खुसूसी सरदार उस्मान अहमद खान बुज़दार, चीफ मिनिस्टर पंजाब, वो तशरीफ़ ला चुके हैं और अभी हम लोग बस नीचे चलेंगे और नीचे चल के हम देखते हैं कि मज़ीद तकरीबात कौन सी हो रही हैं। नाज़रीन, नीचे जाने से पहले मैं आपको बताता चलूँ कि इससे पहले कांग्रेस वर्कशॉप भी हो चुकी हैं बफलो ही से रिलेटेड, और अभी जो बफलो की इनागुरल सेशन है उसकी तरफ चलते हैं। चलिए नीचे। नाज़रीन, हम लोग नीचे आ चुके हैं, अभी मेरे बाएं जानब क्रिस्टल हॉल है जहाँ पे इनॉगरल सेशन है और लोग आहिस्ता आहिस्ता हॉल की तरफ जा रहे हैं और इनॉगरल सेशन में मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ जारी रहेंगी। इसके बारे में बाद मैं आपको बताता चलूँ कि इसी जगह पर मुख्तलिफ स्टॉल्स भी लगाए गए हैं जहाँ पर लोगों ने अपनी जो बफलो से रिलेटेड चीज़ें हैं वो प्रेजेंट की हैं। इसमें इंडस्ट्री के लोग विज़िट कर रहे हैं, फार्मर विज़िट कर रहे हैं, रिसर्चर विज़िट कर रहे हैं। इसके साथ साथ जो इतराफ़ में हाल है वहाँ पे टेक्निकल सेशंस भी होंगे, एक पोस्टर प्रेजेंटेशन का सेशन भी होगा जिसके अंदर रिसर्चर्स ने अपने पोस्टर लगाए हैं, हम आपको वो भी विज़िट करवाएँगे, हम आपको टेक्निकल सेशंस भी दिखाएँगे और उसके बाद हम आपको इससे पहले जो प्री कांग्रेस वर्कशॉप हो चुकी है उसकी डिटेल भी बताएँगे और जो इनागुरल सेशन है उसकी तफसीलात भी आपसे शेयर करेंगे। चलिए नाज़रीन, हम इफ्तिताही तकरीब में पहुंच चुके हैं, चीफ मिनिस्टर पंजाब भी मौजूद हैं, इससे पहले वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी ऑफ वेटरनरी एनिमल साइंस तल नसीर पाशा, लाइफ स्टॉक एंड डेयरी डेवलपमेंट मिनिस्टर सरदार हुसैन बहादुर दरीशक और दीगर लोग तकरीर कर चुके हैं। अभी कुछ ही देर में चीफ मिनिस्टर पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की तकरीर भी शुरू होगी। नाज़रीन, चीफ मिनिस्टर पंजाब उस्मान बुज़दार को स्टेज पर बुला लिया गया है और उनकी तकरीर का आगाज़ हो चुका है। I extend warm welcome to Pakistani and foreign delegates, and I am really delighted to see an energetic participation of the eminent scientists, livestock professionals, and key stakeholders from Pakistan and more from
than 15 countries across the globe in the Buffalo Congress. May God bless you with success in your endeavors. Thank you very much. Pakistan Zinda Baad. नाज़रीन वज़ीरे आला पंजाब साइनो पार्क रिसर्च सेंटर बफलो का इफ्तिताह कर रहे हैं। ये रिसर्च सेंटर चाइना और पाकिस्तान के इश्तराक से बनाया गया है। नाज़रीन कांग्रेस में बहुत सारी कंपनीज और ऑर्गेनाइजेशंस की जानब से स्टॉल्स भी लगाए गए हैं, हम आपको स्टॉल्स का विजिट करवाते हैं। नाज़रीन इंटरनेशनल बफलो कांग्रेस में दुनिया भर से रिसर्चर्स ने पार्टिसिपेट किया और रिसर्चर्स की तरफ से बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया। कांग्रेस में शमूलियत के लिए दुनिया भर से 270 प्लस एब्स्ट्रैक्ट भेजे गए, फिर उनमें से कुछ सिलेक्ट हुए। इस सिलेक्शन के बाद कुछ एब्स्ट्रैक्ट वो ओरल प्रेजेंटेशन के लिए सिलेक्ट किए गए और कुछ पोस्टर प्रेजेंटेशन के लिए सिलेक्ट किए गए। तो अभी हम आपको वो एब्स्ट्रैक्ट दिखाएंगे जो पोस्टर प्रेजेंटेशन के लिए सिलेक्ट किए गए। नाज़रीन ये डिफरेंट टेक्निकल सेशंस भी हो रहे हैं और इन टेक्निकल सेशन में डिफरेंट एक्सपर्ट्स अपनी प्रेजेंटेशन दे रहे हैं। नाज़रीन कांग्रेस में हम डिफरेंट रिसर्चर से, एक्सपर्ट से, फार्मर से और जो डिग्निटीज़ यहाँ पे आई हुई हैं उनसे गुफ्तगू करेंगे और उनके व्यूज़ भी लेंगे कि वो इस कांग्रेस के बारे में क्या इजहार करते हैं अपने ख्याल का। पाकिस्तान 60 के करीब एक्सपर्ट्स को दावत दी है जो अपने अपने डिफरेंट शोबों के एक्सपर्ट्स हैं। इसमें फार्मर्स भी हैं, एकेडमिया के लोग भी हैं और इंडस्ट्री के भी लोग हैं। इनको हम अपने लोकल इंडस्ट्री वालों से, फार्मर्स के साथ और एकेडमिया के लोगों के साथ इंटरेक्ट करने का मौका दे रहे हैं। वो पाकिस्तान और अमूमी तौर पे और पंजाब बिलखसूस सी पैक के बाद फूड बास्केट बनने जा रहा है, जिसके अंदर दूध और गोश्त जो हैं ये दो ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जो रॉ शक्ल में भी और जो वैल्यू एडिशन के बाद भी पूरी दुनिया के अंदर बहुत समझिए कि एक्सपोर्ट भी होंगे और हमारे फार्मर्स की और मुल्क की मईशत में एक बहुत मुस्बत किरदार अदा करें। सर, दो इशूज़ हैं मेजर फार्मर्स के, एक प्राइस कैपिंग जिसका ताल्लुक प्रोविंशियल सब्जेक्ट के साथ है और एक ड्राई मिल्क इम्पोर्ट जिसका डायरेक्ट इम्पेक्ट है ओवरऑल लाइफ स्टॉक फार्मिंग पे। क्या आप समझते हैं कि हम मौजूदा गवर्नमेंट के 5 साल में एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि प्राइस डी कैप होगी और मिल्क इंपोर्ट पे कुछ पॉलिसी लेवल पे सीरियस डिसीजन लिए जाएंगे? देखिए, मिल्क वो जो ड्राई मिल्क का इंपोर्ट है उसके ऊपर तो ड्यूटीज़ कुछ अर्सा पहले भी बढ़ी हैं। हमने भी फेडरल गवर्नमेंट को लिखा हुआ है कि उसके ऊपर ड्यूटीज़ को ज़रूर बढ़ाया जाए। आपका जो दूसरा सवाल है प्राइस डीकैपिंग का, उसके मुतालिक यकीनन वो कागज़ों में है लेकिन उसके ऊपर अमल दरामद नहीं हो रहा। दूध और गोश्त दोनों ऐसी कमोडिटीज़ हैं जो मार्केट में उस कैप प्राइस से ऊपर मुहैया हैं। मेरी अपनी ज़ाती राय यह है कि अगर प्राइस कैपिंग या डीकैपिंग के अलावा हम इस इशू के ऊपर काम करें कि हमारे फार्मर की क्या इनएफिशेंसीज़ हैं, हमारी न्यूट्रिशन की कॉस्ट को कैसे नीचे लाया जा सकता है, तो ये भी एक बहुत अहम सेक्टर है जिसमें बहुत गुंजाइश है कि एक्सिस्टिंग प्राइसेस में भी हम अपने फार्मर को सस्टेनेबल भी बना सकते हैं और वो ब्रेक इवन भी कर सकते हैं। देखें, बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है एक फीमेल वेटनरी डॉक्टर का एक देहात की लेडी के साथ। फर्स्ट ऑफ ऑल वो देहात में जा के डॉक्टर बताती है कि आपने अपने जो एनिमल है उसके साथ कैसे कोप अप करना है। खैर मकदम करता हूँ इस कॉन्फ्रेंस का, पाकिस्तान की इस कीमती काले सोने को दुनिया भर के अंदर हम उजागर करें। मजीद इस किस्म की जो कॉन्फ्रेंसेज हैं, मैं ये समझता हूँ कि 10 साल बाद नहीं, हर 2 साल बाद, 1 साल बाद होनी चाहिए। बहुत ज़रूरी है इन बफलो कॉन्फ्रेंसेज के साथ हम अपनी कीमती ब्रीड को बचाएं। दुनिया की कीमती तरीन ब्रीड स्लाटर हो रही है। रोज़ाना सिर्फ कराची के अंदर हम 4,000
दूध देने वाले जानवरों को ज़बी कर रहे हैं। दूध की कीमतों पे कैप होता और हमें उसकी कीमतें नहीं दी जाती पूरी पे, कट्टा लाइबिलिटी बन जाता है। कीमतों से कैप हटाना चाहिए या फिर कास्ट ऑफ प्रोडक्शन के मुताबिक उसकी कीमतें देनी चाहिए। मैं आपका मशहूर हूँ कि आप यहाँ पे आए हैं। ये एक हकीकत है कि बेफलो जो है ब्लैक गोल्ड है और हम सबको जो है फार्मर्स का हौसला अफजाई करनी चाहिए। और ये एक बड़ी खुश आइन बात है कि आज इंटरनेशनल बेफलो कॉन्फ्रेंस जो यहाँ पे हो रही है वो आपको ख़ुद भी इस बात का इदराक हो रहा होगा कि ये एक बड़ी कामयाब कॉन्फ्रेंस यहाँ पे मुनक्किद करवाई है हमारे डिपार्टमेंट ने। भैंस इंतहाई कीमती सरमाया है, इसका ख्याल करना चाहिए। और ये जो बेफलो कांग्रेस हो रही है इसमें बहुत सारे पेपर्स पढ़े जा रहे हैं और बहुत सारी टेक्निक शेयर की जा रही है। अगर इन पे अमल किया जाए, अब इटली की मिसाल सामने है, वहाँ पर इस पे बहुत काम हुआ, तो हम भी वही पोटेंशियल, बल्कि मैं ये समझता हूँ कि हमारे का जो जेनेटिक पोटेंशियल है खासतौर पे नीली रावी का, वो बहुत शानदार है। व्हाट इज़ द ग्लोबल स्कोप ऑफ बफलो? Well, it's likely that buffalo will be the animal of the future. I mean, we are going versus a global warming. The global temperature is going to increase, and there is a tropicalization of the countries. So the buffaloes, that is a tropical animal, is very able to satisfy its requirements in a tropical environment. ये देखें, दुनिया में एक बॉडी है इंटरनेशनल बफलो फेडरेशन, वो बफलो की रिसर्च को और एक्टिविटीज़ को कोलैबोरेट करती है, जिसका हेडक्वार्टर इटली है। दूसरी एक है एशियन बफलो एसोसिएशन, जिसका हेडक्वार्टर इंडिया में है। हमने 2009 में एशियन बफलो एसोसिएशन की इधर मीटिंग करवाई, लेकिन उसके बाद हम वर्ल्ड का ऐसे है कि वो डिफरेंट कॉन्टीनेंट्स में होती है। लास्ट जो वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस हुई थी वो कोलंबिया में हुई। सर, 2009 से और 2019 10 साल बाद आप क्या फील करते हैं कि पिछले 10 साल में जो बफलो है पाकिस्तान में रिसर्च और एक्चुअल जो डेवलपमेंट है वो इम्प्रूवमेंट आई है या हम पीछे चले गए? नहीं, बड़ी इम्प्रूवमेंट आई है। एक हमारा मीट सेक्टर ने ओवर द ईयर काफ़ी डिवेल्प किया और उसमें हमारे प्रोफेशनल्स का बहुत ज़्यादा रोल है जो यूनिवर्सिटी में है, और गवर्नमेंट का भी रोल है कि उन्होंने इसको इनक्रेज किया। सेव द का प्रोजेक्ट था एक, तो वो उसमें आई, और दूसरा हमारी इम्प्रूवमेंट्स इन द सेंस ये हुई कि अब हम 3 साल से कोलैबोरेटिव रिसर्च प्रोजेक्ट BRI से चला रहे हैं। राइट, हमारे फार्मर्स की काफ़ी आगाही हुई, आपने देखा एनुअल कॉम्पिटिशन्स हुए, उसमें ये प्रोडक्शन लेवल बढ़े हैं। वाटर बफलो में टेस्ट ट्यूब बेबीज़ के, सिंपल वर्ड्स में टेस्ट ट्यूब बेबीज़ हमने कैसे बनाने हैं, तो ट्रेन पीपल, दैट्स आल्सो माय स्पेशलिटी एंड आई यूज़ दैट इन ह्यूमन। सो आवर मेजर प्रॉब्लम इज़ हस्बेंड्री, नॉट द बफलो। सो इफ बफलोज इन द वाइल्ड दे गो इन टू द मड, दे पुट अ लेयर ऑफ क्ले ऑन दैट। अगर बफलोज में सिस्टिक ओवरीज का प्रॉब्लम आता है, सो टेक्निकली वॉट आई लर्न फ्रॉम ह्यूमन हेल्थ इज I don't want to breed that buffalo. So if I'm a farmer, my goal is not to achieve 100% artificial insemination. I'll go for natural breeding. My recommendation is that in theriogenology, instead of taking bookish ideas, we have to go for a realistic approach. That book says 200% artificial insemination. Is that going to solve my problem? If not, then take the logical approach. I think why we want to inseminate buffalo twice? Something wrong with us, not with the buffalo. So we have to work on our semen production units. मैं farmers को भी ये कहूँगी, जो भी नए जानवर खरीदते हैं especially, उनको quarantine में रखना ज़रूरी है, उनको पहले कुछ अर्से अकेला रखना ज़रूरी है, उसके बाद उनके brucellosis के टेस्ट हैं, गोबर के टेस्ट हैं, उनके खून के टेस्ट हैं। जिस तरह इंसानों में टेस्ट बहुत ज़रूरी है, इसी तरह जानवरों में टेस्ट बहुत ज़रूरी है। बेसिकली अभी इंसेमिनेशन जो है वो मैनुअल तरीके से होती है। हमारा मकसद वेटनरी लाइन के अंदर एंडोस्कोपिक प्रोसीजर्स को डेवलप करना है इस मार्केट में। बेसिकली अभी तक लैप्रोस्कोपिक फील्ड अनटच्ड है वेटनरी मेडिसिन के अंदर। मीडिया का अवेयरनेस कैंपेन्स में एक बहुत अमल दखल है। एक फ़ायदा तो फार्मर्स को है, दूसरा इन्वेस्टर को क्या फ़ायदा है, इसमें बिजनेस अपॉर्चुनिटी क्या है, और ये भी हम बताने के लिए अपनी मीडिया कैंपेन के ज़रिए कोशिश करेंगे। अगर ये बात हमारे जो बड़े स्टेक होल्डर्स हैं, हमारे जो मैसेज हैं उन तक या दुनिया तक नहीं पहुँचेगी, तो फिर तो हम बंद रह जाएंगे। मैं
اپنی پوری ٹیم بیفلو بریڈر ایسوسیشن کی جانب سے خیر مقدم ہم کرتے ہیں۔ اٹالین بفلو ایسوسیشن کے جو سیکٹری ہیں انہوں نے بھی کہا کہ مجھے پاکستان آ کے یہ محسوس ہوا کہ پاکستانی لوگ بھینس کی عزت کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں۔ اس وقت جو بیسک چیلنج ہمیں آ رہا ہے وہ ایفیشنسی کا آ رہا ہے، وہ ہمارا پروڈکٹیویٹی کا آ رہا ہے اور ہمیں سسٹینیبلٹی کا آ رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہی جو چیز میں سمجھتا ہوں بہت امپورٹنٹ ہے وہ ہے انٹیگریشن، کہ ہمیں سوائل سے لے کے فیڈ تک، فارم تک اور فوڈ تک، اس پوری چین کو ہم نے بلڈ کرنا ہے۔ انہیں رکھ رکھا ہے کہ حج رکھنا، اپنے بوئے تھے 150 جانور رکھنا زمیندار کی شان ہوں۔ بس پاکستان سے اگر غربت دور ہو سکتی ہے تو یہی وہ سیکٹر ہے جو غربت دور کر سکتا ہے، کیونکہ کسی اسکالر نے ایک دفعہ کہا تھا کہ کمیونزم پاکستان کے دروازے کے اوپر دستک دے رہا تھا اور وہ صرف اس لیے نہیں آیا کہ اس کو ایک بھینس نے بچا لیا۔ سیکٹر کو ریگولیٹ کرنے کے لیے ایک طرف تو ریگولیٹری فریم ورک ہے، دوسری طرف ہے کہ فارمر کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے، اور تیسری طرف یہ ہے کہ مارکیٹ کو ٹھیک کیا جائے، کیونکہ جب تک جو پروڈیوسر ہے اس کو اس کی قیمت نہیں ملے گی تب تک وہ پیداوار کی طرف، اضافے کی طرف توجہ نہیں دے سکے گا۔ تھینک یو سو مچ۔ بفلو ہیلتھ میں سب سے زیادہ امپورٹنٹ تو یہی ہے کہ جو زونوٹک ڈیزیزز ہیں ہماری، ایسی ڈیزیزز جو کہ انسانوں کو لگ جاتی ہیں جانوروں سے، اس کے بارے میں آگہی بہت کم ہے ہمارے فارمرز کو، اور یہ نمبرز میں ماشاءاللہ بہت زیادہ ہے، اور فارمر کا جو روز کا کام ہے وہ بھی اسی پر ہی چلتا ہے، بفلو پر یہ ویل اڈاپٹڈ ہے۔ لیکن فیوچر بزنس انٹرٹینمنٹ بنانے کے لیے یا ایک بزنس مین کے لیے اس میں جو باٹل ایک آتی ہے وہ جینیٹک مٹیریل کی آتی ہے۔ اس وقت سائنسدان اس بات پر ایگری ہوئے ہیں کہ ایک تو آئی وی ایف لیب ہے اس کو شارٹ کرنے کے لیے، پہلے بل مدر اسکیم ہوتی تھی، بل سلیکشن ہوتی تھی، لیکن اس وقت جو سب سے بڑی آئی وی ایف فیمیل کو پرولیفریٹ ملٹی پلائی کرنے کے لیے آئی وی ایف لیب، اور بل کے لیے پھر بھی ابھی سلیکشن کا سہارا لینا پڑے گا۔ بٹ ناؤ دی ٹیکنیکس آر اویلیبل، مولیکولر اسکریننگ، جس میں جو ہے وہ ڈے اولڈ کاف میں ون کین جج دیٹ دس ول بی اے گڈ ملک پروڈیوسر اینڈ ٹو کیپ دس اینیمل آر ول ناٹ بی اینڈ ٹو گو فار دی سلاٹرنگ آف دیٹ اینیمل۔ تو اس میں مولیکولر ٹیکنیکس اویلیبل ہیں جس میں جتنی بھی لیپٹوسپائروسز ہے، بروسیلوسز ہے، کمپائلو بیکٹیریوسز ہے، یہ ساری ڈیزیزز انویسٹیگیٹ کی جا سکتی ہیں۔ فیڈ ٹرانسفر پوری دنیا میں ابھی بھی کسی لمیٹڈ ایریا میں ایکسیلنٹ ٹیکنیک ہے ٹو امپروو دی، بٹ ایٹ اے لارجر اسکیل اسٹل پیپل آر ریلائنگ آن دی آرٹیفیشیل انسیمینیشن فار دی امپروومنٹ آف دی جینیٹک پوٹینشیل۔ یہ 24/7 سروسز ہمارے ہاسپٹل میں اس کے لیے ہونی چاہیے۔ لیکن ناؤ وی شوڈ تھنک اباؤٹ دی یوز آف سیکس ان بفلو، اور میں ویسے اپریشیٹ بھی کرتا ہوں اور کہ ان لوگوں نے جو ہے یہ کانگریس کو آئی جس میں سارے جو ہیں وہ ڈفرینٹ کنٹریز کے لوگ آتے ہیں اور اپنا بفلو کا جو ایکسپیرینس ہے وہ شیئر کرتے ہیں فار دی ڈیولپمنٹ آف دس اینیمل۔ کوٹن ماؤتھ ڈیزیز کو کنٹرول کرنے کے لیے لانگ ٹرم پلان ہے، کسی ہمیں پروگرام لانچ کرنا چاہیے رادر دین ہر پروجیکٹ چھوٹے چھوٹے لانچ کر۔ اگر آپ پراپر طریقے سے کنٹرول کرنے کی کوشش کریں تو انہی لوگوں کے ساتھ، انہی لائف اسٹائل ڈپارٹمنٹ والوں کے ساتھ مل کے ہم نے ڈیزیز کو کنٹرول کر کے دکھایا۔ دیکھیں بفلو کا فیوچر اسی صورت میں ہے کہ ہم اس کی کاونگ انٹرول کو ایک تو کم کریں، دوسرا یہ کہ اس اینیمل کو ہم فیزیبل بنائیں کمرشل فارمنگ کے لیے، جو کہ ابھی میرے ذاتی خیال میں نہیں ہے۔ اور اس طرح کی کانفرنس کا بینیفٹ اس وقت ہوگا جب ایکچوئل فارمر یہاں پہ آئے گا اور اپنے پرابلم جن کے سامنے رکھے گا۔ اس کے علاوہ ازیخیلی بھی ایک بریڈ ہے جس کو 2006 میں فرسٹ ٹائم سینسس میں شامل کیا گیا۔ اس بریڈ کی کچھ خصوصیات کے بارے میں اگر آپ کو میں بتا دوں تو ایک تو یہ کہ کلر سے یہ بہت بیوٹیفل ہے، اس کو ہم رون کلر بھی کہتے ہیں، گولڈن یلو بھی کہتے ہیں، بعض لوگ پنکش وائٹ بھی کہتے ہیں، اور البین ٹائپ بھی اس میں ملتے ہیں۔ اس طرح کے سیشنز ہونے چاہیے، بہت زیادہ بینیفیشیل ہیں، اس لیے کہ انڈسٹریز اور اکیڈیمیا کا انٹریکشن ہوتا ہے اس طرح۔ ہمارے ساتھ انہی کے اسٹوڈنٹ چائنا میں ڈاکٹر امغان موجود ہیں۔ اس وقت پروفیسر ڈاکٹر لو یانگ سنگھ، ہی ایز اے ڈپٹی ڈین ان ڈپارٹمنٹ آف اینیمل سائنس اینڈ ٹیکنالوجی گوہاٹی یونیورسٹی میں یہ ہیں، اور ان کی ایکسپرٹیز بیفلو پہ اور چکن پہ ہے۔ I'm good. Yeah, oh, very you. Nice. Yeah. Oh, what is your experience here in Congress in Pakistan? So my experience is very great in here, and then the people with the food and the academic setting up here is great. Yeah, we enjoyed. Very nice. And what would you say about the local buffalo of Pakistan? My what, sir? Buffalo. Oh, the buffalo. I think the buffalo, the race, have been treating very good in Pakistan. So actually in China,
We have most of the buffalo in China are swamp buffalo. The genetic value is not as good in here because the meat production and the dairy production is not as good in here. अभी चाइनीज जैसे हमारे इन्वेस्टर इसी कॉन्फ्रेंस में आए हुए हैं, इस तरह कॉन्फ्रेंस में इन्वेस्टर मुझसे मिले हैं जो पाकिस्तान से पाकिस्तानी बफलो, पाकिस्तानी बफलो सीमन एम्ब्रियोस पूछ रहे हैं कि काम कहां से ले सकते हैं, हम कितने यहां से जो पाकिस्तान से ले जा सकते हैं। डॉक्टर जासिर, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप इस मेगा इवेंट जो लाइफ स्टॉक और डेयरी और हमारी अपनी नेटिव दूध देने वाला जानवर बफलो उसकी कवरेज कर रहे हैं। मुझे ये बताते हुए बड़ा फ़ख्र है कि देखें बैकग्राउंड इससे बढ़कर जासर क्या होगी कि दुनिया का वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर बफलो हमारे पास है। और जेनेटिक इज नॉट जस्ट फॉर काइंड ऑफ मिल्क, दैट दोज जेनेटिक्स माइट बी हैविंग टिक रेजिस्टेंस, डिजीज रेजिस्टेंस, बिकॉज दीज एनिमल्स हैव अडॉप्टेड टू दिस रीजन। इफ वी कंप्लीटली 100% गो ऑन इम्पोर्टेड काउज, we'll lose our buffalo and we'll lose our other cows. At this point we should go parallel when we compare with degrade buffalo. First you have to bring the buffalo to a level of a Holstein cow, then you can blame a buffalo. On Holstein Friesian cows you talk about cow comfort, but did we ever talk about buffalo comfort? Maybe one day my grandchild and grandchild, he may be working here, he ends up in some gene mutation or he needs to have some genetic manipulation, he might have to go back to the origin and breed that same end product with the original animal to get that gene back. So I strongly recommend the policy makers to dedicate one livestock farm where they should preserve our genetic pool. देहात की औरत और भैंस का आपस में एक बहुत गहरा ताल्लुक है, क्योंकि जैसे देहात की औरतें अपने बच्चों का ख्याल रखती हैं, वैसे ही ये अपने जो है वो जानवर जो घरों में रखते हैं स्पेशली खवातीन का ख्याल रखती हैं। प्रॉब्लम हमें मेरे ख्याल में ये आती है कि जब हम बफलो के दूध को गाय के दूध के साथ कंपेयर करते हैं और हम उसको उसी प्राइस पे बेचने की कोशिश करते हैं जो गाय के दूध की है मार्केट में, जो कि अनफेयर। सजेशन ये है कि बफलो के दूध को आप लिक्विड दूध की तरह, यानी लिक्विड मिल्क या एक आम घरेलू सतह पे पीने वाले दूध की तौर पर उसको इस्तेमाल ना करें। उसकी एक स्पेशल वैल्यू है, उसको वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स में उसकी मोजरेला चीज़ बनानी है, उसके स्पेशल वाइटनर बनाना है और उस स्वीट्स में यूज़ करना है, उसकी कोई बाई प्रोडक्ट्स ऐसी बनानी है जो ज़्यादा वॉल्यूम दे सके, तो उसको उस इंडस्ट्री को डेवलप करने की ज़रूरत है। कुंडी जो है इसका होम ट्रैक्ट डिस्ट्रिक्ट बदीन है। मैक्सिमम ये जानवर दरियाए सिंध के किनारे के साथ साथ पाया जाता है, दोनों साइड में कर्ल सींग होते हैं इसकी पहचान में, और एक गोशी कुंडी होती है, उसके थोड़े से सींग खुले होते हैं। But this time I had a chance to be in Lahore, which is my first time here to join the International Buffalo Congress. It's my great honor, really, and I'm so thrilled seeing so many researchers around the world here. मेरी बेसिकली डिस्कशन हुई है डॉक्टर उपल साहब से, एक्सपर्ट हैं, बहुत ज़्यादा काम कर चुके हैं लाइफ स्टॉक सेक्टर में, तो उन्होंने बेसिकली एक ही चीज़ मुझे सारी बातों में एक ही बात उन्होंने कही है, उन्होंने कहा कि आप सबसे पहले अपने डिजीज सेक्टर को कंट्रोल करें। या USAID का ये एग्रीकल्चर मार्केट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट बेसिकली पाकिस्तान के मीट सेक्टर को सपोर्ट कर रहा है। इंटरनेशनल मार्केट्स में इस वक्त पाकिस्तान को दो बड़े चैलेंजेस का सामना है, एक तो SPS इशूज़ है, यानी सैनिटरी एंड फाइटोसैनिटरी ट्रांसबाउंड्री डिजीज में, पार्टिकुलरली फुट एंड माउथ डिजीज़ पाकिस्तान इंडस्ट्री में एंडेमिक है, क्योंकि दूध का जो कैरेक्टर है वो कट्टों के जरिए यानी कि मेल के जरिए आगे डिलीवर होता है जेनेटिकली। तो यहाँ पे मैं एक मैसेज देना चाहूँगी अपने फार्मर्स को स्पेशली कि हमारे बहुत सारे फार्मर्स ऐसे होते हैं जो बहुत अच्छी नस्ल की हमारी भैंसें होती हैं, तो उनके जो कट्टे होते हैं उनको वो ज़िबा कर देते हैं, तो प्लीज़ उनको ज़िबा ना करें, उनको हमारे पास भेजें BRI में। ऑक्सीटोसिन इज हैविंग एन इंपैक्ट दैट आवर यंग गर्ल्स आर गेटिंग प्यूबर्टी वेरी अर्ली, दैट्स इन माई ओपिनियन इज़ ए नॉनसेंस आइडिया। एंड ऑन ऑक्सीटोसिन आई पर्सनली हैव नो प्रॉब्लम इफ आई हैव टू यूज इट एज ए मैनेजमेंट टूल, बट द प्रॉब्लम इज when you are using it in excessive level. I want one master student, only one. If any master student wants to do research on that, and I guarantee this will be public. Epigenetics is
that the environmental changes which happen like in your genetics, which is causing early puberty, is estrogenic compounds. In some studies, these will be called endocrine disruptors. Bisphenol is endocrine disruptor. Bisphenol is used for the elasticity in plastics. Bisphenol and phthalic acids, these are the, and octophenyls, these are the compounds found in makeup stuff for the ladies and plastics. And all of these compounds are estrogenic in nature, and actually these are the cause for early puberty in girls, and they are also a cause which is causing sex ratio difference in species, in animals, in birds. I strongly suggest families and couples stay away from plastics as much as you can for the safety of your children. तो हमारा मेन एम्फेसाइज जो होता है वो एनिमल की बेटर न्यूट्रिशन पे होना चाहिए, और बेटर न्यूट्रिशन तभी हो सकती है जब हम न्यूट्रिशन का एनिमल की फीड्स का एनालिसिस करवाते हैं। आउट के कमर्शियली तो बफलो की वायबिलिटी कम हो रही है, लेकिन हमारे जो छोटे लेवल के फार्मर्स हैं या घरों में जो लोग पालते हैं उनमें इस किस्म की ये बफलो फार्मिंग जो है वो एक उनके लिए बेहतरीन ज़रिया है, बल्कि आप इसको ये कहें तो बेहतर होगा कि उनके लिए ये एक फूड सिक्योरिटी का ज़रिया है। जहाँ तक इसकी बात की आपने क्वालिटी कंट्रोल की, हमारे दो सिस्टम साथ साथ चलते हैं। एक इन हाउस क्वालिटी है जहाँ पे जब ये बन रही होती है हर स्टेप पे उसकी क्वालिटी को इंश्योर किया जाता है, और जब फाइनल प्रोडक्ट बन जाता है तो फिर हम इसको क्वालिटी कंट्रोल, एक इंडिपेंडेंट सेक्शन है, उसके इंडिपेंडेंट इंचार्ज हैं और वो इसको इंश्योर करते हैं। और नाज़रीन, कांग्रेस का दूसरा दिन शुरू हो चुका है, आज यहाँ पे रूटीन के टेक्निकल सेशंस भी हो रहे हैं। आज के दिन में एक खसूसी सेशन भी रखा गया है जो कि जिसको इंडस्ट्री फार्मर फोरम का नाम दिया गया है, जहाँ पे इंडस्ट्री के लोग और फार्मर मिलके बैठेंगे और डिस्कस करेंगे कि हम बफलो ब्रीड और लाइव स्टॉक सेक्टर की बेहतरी के लिए किस तरह काम कर सकते हैं। आज के दिन कंक्लूडिंग सेशन भी होगा और उसकी भी आपको सिलसिला से आगाह करेंगे, और इसके साथ साथ हम आपको आज के दिन की दीगर सरगर्मियों के बारे में भी बताएंगे। नाज़रीन, हमने को पीसी होटल में इंटरनेशनल बफलो कांग्रेस की सैर करवाई, यहाँ पे इनॉग्रेशन सेशन हुआ, यहाँ पे डिफरेंट टेक्निकल सेशंस करवाए गए, यहाँ पर पोस्टर प्रेजेंटेशंस हुई, यहाँ पे मुख्तलिफ कंपनियों ने स्टॉल लगाए। इनॉग्रेशन सेशन में चीफ मिनिस्टर पंजाब ने शिरकत की, हमने इस दौरान मिनिस्टर लाइफ स्टॉक से, एडवाइजर टू चीफ मिनिस्टर पंजाब फॉर लाइफ स्टॉक, वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी ऑफ वेटरनरी एनिमल साइंस, और डिफरेंट एक्सपर्ट्स की ओपिनियन भी आपके सामने पेश की। नाज़रीन, ये एक्ट कांग्रेस ख़त्म होने जा रही है, और इसी से रिलेटेड जो इवेंट है बफलो मेला, या जिसको नेशनल लाइफ स्टॉक शो कह रहे हैं, वो भी अगले चार दिन में वो जारी रहेगा, जिसकी तफसीलात भी हम आपसे शेयर करेंगे। और उम्मीद करते हैं कि ये कांग्रेस सिर्फ एक एक्टिविटी तक महदूद नहीं रहेगी, बल्कि इस कांग्रेस के अंदर जो रिसर्चर्स की जानब से, जो एक्सपर्ट्स की जानब से रिकमेंडेशंस दी गई हैं, उनको गवर्नमेंट अपनी पॉलिसी डिसीजंस के अंदर इंक्लूड करेगी, और इसमें पॉलिसी मेकिंग के अंदर इन रिकमेंडेशन को इंक्लूड किया जाएगा। नाज़रीन, वेलकम टू स्टूडियो। हमने आपको इंटरनेशनल बफलो कांग्रेस की दो रोज़ा सरगर्मियों के बारे में दिखाया, तो थोड़ा सा आपको प्री कांग्रेस वर्कशॉप्स के बारे में बता देता हूँ जो इस इंटरनेशनल कांग्रेस से पहले मुनक़द की गई। इसमें एक मेस्टाइटिस की ट्रीटमेंट, डायग्नोसिस और कंट्रोल पे वर्कशॉप मुनक़द हुई, मॉडर्न अप्रोचेज इन बफलो ब्रीडिंग एम्प्लॉइंग एडवांस मॉलिकुलर जेनेटिक टेक्निक्स, ये जो जीनोमिक लैब है यूनिवर्सिटी की, उसमें इसका इनका हुआ सेंट्रल लेबॉरेटरी कॉम्प्लेक्स रावी कैंपस पत्तोगी में।
एसेंशियल ऑफ बोवाइन एम्ब्रियो कल्चर ये डिपार्टमेंट ऑफ थीरियोजेनोलॉजी इसमें इन्वॉल्व रहा और इसमें अमेरिकन एक्सपर्ट डॉक्टर कादुन चौहान और दीगर ने एज ए रिसोर्स पर्सन शिरकत की. न्यूट्रिशन एंड मैनेजमेंट ऑफ बफलो इसमें डॉक्टर नवीदुल हक ने किरदार अदा किया और ये जो कांग्रेस ये जो प्री कांग्रेस वर्कशॉप है ये भी रावी कैंपस पत्तों की ही में मुनक्कद हुई. प्रोफेसर डॉक्टर हयात जसपाल उनका जो डिपार्टमेंट मीट साइंस एंड टेक्नोलॉजी है उसकी जानब से नोवल मीट प्रोसेसिंग टेक्निक्स इन बफलो इस पर प्री कांग्रेस वर्कशॉप करवाई गई और इसके अलावा एक वर्कशॉप ब्रुसेलोसिस की डायग्नोसिस में जो लैब टूल है इस पर मुनक्कद हुई. इसके साथ साथ इस इंटरनेशनल कांग्रेस पर एक गाला डिनर का इनेकाद किया गया जिसके अंदर म्यूजिकल प्रोग्राम भी हुआ और उसमें जो जो हमारा पंजाब का और डिफरेंट प्रोविंसेस के जो कल्चर्स हैं उनको स्टूडेंट्स ने डिफरेंट परफॉर्मेंस के जरिए हाईलाइट किया. जो इंटरनेशनल डेलीगेट्स हैं उन्होंने सीमन प्रोडक्शन यूनिट का दौरा भी किया और वहाँ पर और इसके साथ साथ इनको यूनिवर्सिटी के जो डिफरेंट लेबॉरेटरीज हैं उनको उनका भी विजिट करवाया गया. नाजिम अभी मैं बात करूंगा नेशनल लाइफ स्टॉक शो की. ये इंटरनेशनल बफलो कांग्रेस का बुनियादी हिस्सा था और इसके अंदर एक जो जानवर पाकिस्तान के मुख्तलिफ जानवर हैं उनकी जो नस्लें हैं उनकी एक नुमाइशी परेड करवाई गई. इसका आगाज चौधरी आशिक गुज्जर साहब ने अपने घोड़े पर सवार होकर एक मखसूस अंदाज में किया और उसके बाद फिर ये मुख्तलिफ नस्लों की नुमाइश की गई और जिसको इंटरनेशनल डेलीगेट्स और जो लोकल पाकिस्तान से लोग आए हुए थे पाकिस्तान भर से उन्होंने बड़ा सराहा. यहाँ पे घोड़े का और ऊंट का डांस भी करवाया गया. इस मौके पर भैंस में मुख्तलिफ मुकाबले करवाए गए दूध की पैदावार के और खूबसूरती के. इसके नतीजे मैं आपसे शेयर कर देता हूँ. दूध की पैदावार के मुकाबले में फैसलाबाद के मोहम्मद शहबाज की भैंस ने 24 घंटे में 34.6 किलोग्राम दूध की पैदावार से पहली. फैसलाबाद के राणा अब्दुल सत्तार की भैंस ने 31.62 किलोग्राम पैदावार से दूसरी जबकि शकरगढ़ के शहजाद की भैंस ने 31.18 किलोग्राम दूध की पैदावार से तीसरी पोजिशन हासिल. पहले सुबह की अगर कैटेगरी की बात करें तो इसमें फैसलाबाद के इरफान अली की भैंस ने 24 घंटे में 21.14 किलोग्राम दूध दिया और पहली पोजीशन हासिल की. तोबा टेक सिंह के लियाकत अली की भैंस ने 20.66 किलोग्राम जबकि भलवाल सरगोदा के मोहम्मद एजाज गोंदल की भैंस ने 16.85 किलोग्राम की पैदावार के साथ तीसरा नंबर हासिल किया. ब्रीडिंग बुल की खूबसूरती के मुकाबले भी हुए. इसके अंदर दूध देने वाली भैंसों की खूबसूरती के भी मुकाबले हुए. इसमें दोंदी जोटी कैटेगरी और दोंदा जोटा इस कैटेगरी के भी मुकाबले हुए और ये इसमें जो जो मुख्तलिफ लोगों ने जो पोजीशंस हासिल की जिनके जानवर में उनमें फिर बाद में इनामात भी तकसीम किए गए. लेकिन इसके अंदर जो जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है ये एक कामयाब कांग्रेस और लाइफ स्ट्रक्चर था. इंटरनेशनल डेलीगेट्स की एक्टिव पार्टिसिपेशन रही और इसके अंदर अगर हम ये कहें कि इस भैंस ने एक एम्बेसडर का रोल करते हुए पाकिस्तान के अंदर 60 डेलीगेट्स को जो कि 17 राउंड अबाउट कंट्री से पाकिस्तान में आए थे उनको पाकिस्तान में इकट्ठा किया और एक इस भैंस ने और ये पाकिस्तान का जो ब्लैक गोल्ड है अगर इस पर तवज्जो दी जाए तो ये जहां पाकिस्तान की इकोनॉमी को सपोर्ट कर सकती है वहां इंटरनेशनल रिलेशंस की बेहतरी में भी किरदार अदा कर सकती है और इसके साथ साथ जो जो इंटरनेशनल ट्रेड हमारी है एक्सपोर्ट उसमें भी इसका बड़ा अहम किरदार हो सकता है. और इसके अंदर एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो मिनिस्टर लाइफ स्टॉक पंजाब है और जो एडवाइजर टू CM है जगवाना साहब इन दोनों की बड़ी एक्टिव पार्टिसिपेशन रही और ये लोग ड्यूरिंग द इवेंट जो कि चार से पाँच छः दिन तक जारी रहा ये लोग वहाँ पे मौजूद रहे फुल टाइम और इन्होंने वहाँ टाइम दिया और उनकी उनकी जो पार्टिसिपेशन थी वो एक्टिव रही. इस पे एक और भी चीज़ के यहाँ पर अगरचे कांग्रेस के अंदर बाकी प्रोविंसेस के मिनिस्टर्स तो नहीं आए लेकिन जो नेशनल लाइफ स्टॉक शो था उसके अंदर बलूचिस्तान के मिनिस्टर लाइफ स्टॉक और इसके साथ साथ जो KPK के मिनिस्टर लाइफ स्टॉक हैं वो तशरीफ लाए. सिंध के भी मिनिस्टर लाइफ स्टॉक पंजाब में तो आए थे शिरकत के लिए लेकिन फिर वो किसी वजूहत की बुनियाद पर उनको वापस जाना पड़ गया. और मिनिस्टर जो हमारे मिनिस्टर नेशनल फूड सिक्योरिटी एंड रिसर्च फेडरल मिनिस्टर वो भी इस इवेंट के अंदर तशरीफ लेकर आए.
नथिंग मैं को लाइफ टेक पंजाब को और खास तौर पर यूनिवर्सिटी ऑफ वेटनरी एनिमल साइंसेज को मुबारकबाद देनी चाहिए इस कामयाब कांग्रेस के इनेकाद पर, क्योंकि ये 10 साल के बाद एक इवेंट हुआ है। इस पर डेयरी एंड कैटल फार्मर्स एसोसिएशन की जानिब से एक इश्तहार भी दिया गया है जिसमें इनको मुबारकबाद दी गई है। अरे बहुत इंपॉर्टेंट है कि माहरीन की जानिब से जो तजावीज़ दी गई हैं कांग्रेस के दौरान इस पर गौर किया जाए और इनको डेफिनेटली इनको मजीद फाइन करते हुए और इस पर डिबेट करवाते हुए और एक्सपर्ट्स की फर्दर ओपिनियन ऐड करते हुए और विजडम कलेक्शन की तरफ जाते हुए इसको मजीद इम्प्रूव किया जाए और फिर इनको डेफिनेटली जो हमारे पॉलिसी रिलेटेड इश्यूज हैं और जो पॉलिसी रिलेटेड मैटर्स हैं उनमें इनको इनकॉर्पोरेट किया जाए और फिर डेफिनेटली जो फर्दर इशूज हैं उसको भी देखा जाए। हमने कांग्रेस के दौरान आपको मुख्तलिफ माहरीन की जो गुफ्तगू है वो दिखाई है, इनकी डिटेल्स जो गुफ्तगू है वो हमने हर एक माह की सेगमेंट्स किए हैं, तो वो डिटेल डिस्कशन हमारे यूट्यूब चैनल पर एक हमने उसकी अलग एक प्लेलिस्ट बना दी है इंटरनेशनल बफलो कांग्रेस के नाम से, उसमें आप ये अपनी डिटेल डिस्कशन वो ले सकते हैं जिसके अंदर लोकल एक्सपर्ट्स ने, पाकिस्तानी एक्सपर्ट्स ने और इंटरनेशनल डेलीगेट ने जो हमसे डिस्कशन की थी। नाज़िम मुझे इंटरनेशनल बफलो कांग्रेस के स्पेशल प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, लेकिन जाते हुए यूनिवर्सिटी ऑफ वेटनरी एंड एनिमल साइंसेज के वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर तलनसी पाशाह का ये पोस्ट कांग्रेस मैसेज जो कि रिसर्चर्स के लिए है ज़रूर सुनिएगा। थैंक यू वेरी मच सर। पोस्ट कांग्रेस मैसेज आपका रिसर्चर्स के लिए क्या होगा फॉर द नेक्स्ट 10 ईयर्स स्पेसिफिकली डायरेक्शन फॉर द रिसर्च? देखें हमें डिमांड ड्रिवन प्रॉब्लम ओरिएंटेड रिसर्च करनी है, हमें देखना है कि बायोटेक्नोलॉजी में दुनिया ने बफलो में क्या काम किया, प्रोडक्ट डेवलपमेंट में काम किया, क्योंकि रिसर्च ब्राय रिसर्च नहीं, रिसर्च जिसका हमारी इंडस्ट्री को फार्मर को फ़ायदा हो। इसमें मीट में अभी और काम करने की ज़रूरत है, मिल्क में, प्रोडक्ट डेवलपमेंट में और पॉलिसी मेकर्स के लिए ये बड़ा अहम है कि बफलो मिल्क एज ए बफलो मिल्क सेल हो, और अगर बफलो मिल्क एज ए बफलो मिल्क सेल होगा तो फार्मर की सप्लाई चेन एक डेवलप होगी और फार्मर को उसकी प्रॉफिटेबिलिटी मिलेगी और इसके जो बेनिफिट है वो कंज्यूमर को भी मिलेंगे। तो ये हम ये जो फूड अथॉरिटी के साथ भी ये काम कर रहे हैं कि जी इसकी एक को पैकिंग में आए, सोर्स का पता चले, अडल्ट्रेशन ख़त्म हो, तो उसका कंज्यूमर में भी को भी फ़ायदा और फार्मर को भी और रिसर्चर। थैंक यू वेरी मच सर।